नीतिवचन अध्याय 10 नीतिवचन अध्याय 10 सुलेमान के नीतिवचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाज लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाले है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह नीर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नयन से शयन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा होता है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्टों के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वह औरों के लिए जीवन का मार्ग है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता और औरों को भटका देता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होते हैं, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्टजन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, और धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकलते ही दुष्टजन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सनातन नेव है। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा की गति खरे मनुष्य का गढ़ ठहरती है, परंतु उसी गति से अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएगा। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उल्ट फेरे की बात कहने वालों की जीभ काटी जाती है। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती है।